किसानों के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। फसल बेचने के लिए अब बाजार तक नहीं जाना होगा, वहीं गांव के पास ही हाट और बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में 53 ग्रामीण हाट और बाजार होंगे तैयार। मंडी परिषद को बाजार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसानों की जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध होगी। 30 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रामीण बाजार अनाज और फल समेत सभी तरह की फसल बेच सकेंगे ग्रामीण। तो एक तरफ तो किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में प्रदेश सरकार किस तरह से किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए इसके लिए लगातार लगी हुई है। और ये खबर लखनऊ से आ रही है, किसानों के लिए काफी अहम है। किसानों के लिए योगी सरकार की ये बड़ी तैयारी है। फसल बेचने के लिए अब बाजार तक नहीं जाना होगा किसानों को। बता दें गांव के पास ही हाट और बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है, तो ये बड़ा तोहफा होगा किसानों को। पहले चरण में 53 ग्रामीण हाट और बाजार तैयार होंगे। तो वहीं बता दें कि मंडी परिषद को बाजार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ किसानों की जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी चीज के लिए परेशान ना होना पड़े किसानों को। 30 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रामीण बाजार अनाज और फल समेत सभी तरह की फसल बेच सकेंगे यहाँ पर। बता दें कि किसान और किसानों के लिए ये बड़ी सुविधा उपलब्ध कराने की तमाम तैयारी की जा रही है। तो एक तरफ तो पूरे देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का ये कहना है, किसानों की मांग है, इन काले कानूनों को वापस ले सरकार, MSP पर गारंटी दे। तो एक दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार कैसे किसानों को सुविधाएं दी जा सके, कार्य करें उसके लिए लगी हुई है। और मंडी परिषद को बाजार तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो, किसानों की जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध हो। 30 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रामीण बाजार, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई है। निकिता, एक तरफ तो पूरे देश में किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार, प्रदेश की योगी सरकार लगी हुई है कैसे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से एक तरफ आंदोलन चल रहे हैं, काफी गुस्से में है किसान, वहीं अभी दूसरी तरफ ये जो खबर आ रही है कि 9 जिलों में 90 करोड़ से स्थापना से जो 6000 किसान हैं वो सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे, और MSME और खाद्य विभाग ने ये पूरी कार्य योजना तैयार की है, तो कहीं ना कहीं उनको ये जो उपलब्धियां मिल रही हैं एक रिलीफ पॉइंट के तौर पर जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब MSME ने एक नया ऐलान किया है कि 9 जिलों में 90 करोड़ की जो होगी स्थापना और 6000 किसान सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे, और एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो समान सुविधा केंद्र की जो है स्थापना होगी। और इसको पूरा मद्देनजर रखते हुए जो कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये एक सरकार की काफी अहम पहल है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के रख रहे हैं, सरकार वापस नहीं ले रही है, तो ये एक अहम पहल देखी जा रही है किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार द्वारा। निकिता, किस तरह का खाका तैयार किया गया है, किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, अभी तक क्या तैयारी की गई है? जी देखिए, अभी फिलहाल ये ऐलान हुआ है MSME और खाद्य विभाग के जो है विभाग के मद्देनजर रखते हुए कुछ कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे 9 करोड़ की उनको स्थापना, 6000 किसान इससे सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। और फिलहाल ये जो अभी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको, इस पे काफी मशक्कत की जा रही है, और क्या कुछ प्लानिंग होती है ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें जो है जो संचालन है वो स्थानीय स्तर पर जितने भी बिजनेस क्लास है, उद्यमी किसान समूह कर सकेगा, तो ये जो एक पहल है इसमें अभी तमाम चीजें होनी बाकी हैं। और एक ये जो ऐलान किया है कृषियों को लेकर के, किसानों को लेकर के MSME डिपार्टमेंट की ओर से, ये एक काफी प्रोग्रेसिव पार्ट जरूर देखा जा रहा है। निकिता सरीन, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।